स्टूडेंट आप लोगों का वो है आपका कंपेंडिंग टॉपिक लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा स्टूडेंट फटाफट से। तो दिस इज कंपेंडिंग, ठीक है, ये है स्टूडेंट आप लोगों का, दिस इज कंपेंडिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है इस कंपेंडिंग का या क्या होता है ये कंपेंडिंग देखते हैं। ठीक है, दिस इज कंपेंडिंग। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट आपका, जो अक्सर एग्जाम में रहता है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, तो कंपेंडिंग के लिए सबसे पहली बात अगर मैं देखता हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले बात तो दिमाग में यही निकल कर आती है कि होता क्या है। तो इसके बारे में याद रखिएगा स्टूडेंट आपका कि कंपेंडिंग एक प्रकार का क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होता है। तो आप लिख सकते हैं कि कंपेंडिंग इज अ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ठीक है, यहां से अगर हम लोग लिखते भी हैं तो दिस इज कंपेंडिंग इज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं कि कंपेंडिंग क्या होता है स्टूडेंट आपका, एक नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की जब बात हुई थी तो आपको कहा भी था कि अगर स्टेप साइज कॉन्स्टेंट है, फिक्स है पूरे इनपुट सिग्नल की रेंज के लिए, वो होता आपका यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। अगर आपका स्टेप साइज चेंज हो रहा है थ्रू आउट दी या थ्रू आउट होल दी इनपुट सिग्नल रेंज, देन दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मतलब स्टेप साइज का यूनिफॉर्म होना, नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्टेप साइज का नॉन यूनिफॉर्म होना। ठीक है, तो ये टोटली बेस्ड किस पर है स्टूडेंट आप लोगों का, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन पर बेस्ड है। अब कैसे है अभी देखना, आगे बात निकल कर भी आएगी कि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को प्रोड्यूस करना या इस तरह के सिग्नल को जनरेट कराना अपने आप में एक बहुत क्रिटिकल टास्क है। क्यों क्रिटिकल है कि नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है कि आप सिग्नल के हिसाब से अब अपने क्वांटाइजेशन लेवल को जनरेट करवाओगे, स्टेप साइज को लेकर चलोगे, और ऐसा करने के लिए आपको सिग्नल में आगे क्या आने वाला है वो पता होना जरूरी है। इसका मतलब क्या आपका कि प्रिडिक्शन होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि प्रिडिक्शन अनुमान पहले ही सिग्नल का लगाना, तो वो थोड़ा सा अपने आप में क्या है कि क्रिटिकल टास्क है, एक डिफिकल्ट टास्क है कि आगे क्या चीज होने वाली, भविष्य के बारे में आप एक अनुमान 100% श्योरिटी के साथ क्योंकि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, एक एजम्पशन दिया जा सकता है पर ऐसा नहीं है कि वो 100% श्योरिटी के साथ हो। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट यहीं से अगर हम लोग देखते हैं तो हमें जो रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट वो क्या होता है आपका, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो जो निकल कर आ रहा था किसी भी वीक सिग्नल के लिए, हमें सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वीक सिग्नल के लिए सिग्नल पावर कम होती है, सिग्नल पावर कम होती है तो नॉइस का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ऐसे सिग्नल के लिए हम क्या कर सकें, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो को इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट यहां से लिखिएगा स्टूडेंट आप लोग, क्या कहा कि इट इज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंट, यहां से लिखते हैं कि इट इज रिक्वायर्ड, ये हमें सबसे पहले आवश्यक होता है। ठीक है, तो इट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द, इट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन, इट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो फॉर द वीक सिग्नल्स, फॉर द वीक सिग्नल्स, कमजोर सिग्नल्स की बात हो रही है। वीक सिग्नल, कमजोर कहने का मतलब ये नहीं है वो खाना पीना नहीं खाते हैं, कमजोर का मतलब आपका कि उनका एम्पलीट्यूड कम होता है। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, इतना। अब हमने जब आपको पीसीएम सिस्टम के लगभग 30+ फॉर्मूले हमने लिखा है आपको, जहां से आपका न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है, तो वहीं से अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, वहीं से अगर मैं बात करता हूं। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हमने क्वांटाइजेशन नॉइस पावर का लिखाया था। ठीक है, तो यहीं से अब अगर हम देखते भी हैं कि एज वी नो द क्वांटाइजेशन नॉइस पावर, एज वी नो द क्वांटाइजेशन नॉइस पावर, ठीक है, क्वांटाइजेशन नॉइस पावर की बात करते हैं कि एज वी नो द क्वांटाइजेशन नॉइस पावर, क्वांटाइजेशन नॉइस पावर की अगर मैं बात करता हूं
हमने कैसे लिखा था, हमने लिखा था स्टूडेंट पी क्यू एन, ठीक है, कि क्वांटाइजेशन नॉइस पावर। इसी को हम अगर रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर देखते हैं तो एन ऑफ क्यू भी लिखा जाता है स्टूडेंट, और फॉर्मूला निकल कर आया था आपका डेल्टा स्क्वायर, अगर आपको याद भी आ रहा हो, अपॉन 12, कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारा निकल कर आया था स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा की बात भी हुई थी, हम डेल्टा को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट आपका, ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टेप साइज को, किसे रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट आपका, स्टेप साइज को। तो यहाँ पर अगर हम देखते भी हैं तो क्या कहा आपको, वेयर डेल्टा इज, ठीक है, ये क्या था स्टूडेंट आपका, डेल्टा इज स्टेप साइज, ये क्या था स्टूडेंट आपका, स्टेप साइज था। और क्या कहते थे इसे, इसी को क्वांटम भी कहते हैं, कि स्टेप साइज या क्वांटम इसे हम कहते हैं। न्यूमेरिकली जब हमने इसे डिफाइन किया था स्टूडेंट तो कैसे निकल कर आया था, डेल्टा इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, या मैक्सिमम एनालॉग वोल्टेज माइनस मिनिमम एनालॉग वोल्टेज और डिवाइड बाय ये आप लोगों का नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। और यही फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर हमने क्या लिखा था, 2Vm, भाई Vm माइनस माइनस का Vm, तो 2Vm डिवाइड बाय L। और अगर आप L का भी वैल्यू रखते हैं, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल को देखते हैं, तो वो कैसे निकल के आता है, 2 की पावर n। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर n क्या है, तो n की अगर मैं बात करता हूं, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, ठीक है, कि एक सैंपल में, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, कि एक सैंपल में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा हमारा n, ठीक है, कि 2 बिट हैं, 4 बिट हैं, 10 बिट हैं, 20 बिट हैं, कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी हम इस प्रकार से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये बात भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एग्जाम में आपको इन पर बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इन फॉर्मूलाज को बार बार आपके बीच में रिपीट भी कर रहे हैं, तो आप लोग नोट डाउन भी जरूर करते रहें। अब यहां से बात क्या निकल के आई स्टूडेंट आपकी, ध्यान से सुनना कि इस फॉर्मूले से ही देखो जरा, अगर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होगा, थोड़ी देर के लिए खुद सोचो कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होगा तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि डेल्टा फिक्स होगा, डेल्टा कॉन्स्टेंट होगा। अब डेल्टा कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब जो 12 है वो तो, या 12 है वो तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। अगर हमारा स्टेप साइज कॉन्स्टेंट है, अगर हमारा यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ से बात निकल कर आती है कि इट मीन्स हमारी क्वांटाइजेशन नॉइस पावर है वो फिक्स है, वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वो क्या अपना कॉन्स्टेंट है, ठीक है इतना। अब अगर क्वांटाइजेशन नॉइस पावर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो वेरी कौन कर सकता है, वो आपका दूसरा जो वेरी कर सकता है वो आपका सिग्नल पावर। अब कैसे वेरी कर सकता है ये देखेगा, ठीक है इतना। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं, चाहे तो एक काम कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए इनको, देखें यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो दिस इज, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। देखें स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या कहा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से बात करते हैं कि इफ द यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन इज यू, if the uniform quantization process, the uniform quantization is done, if the uniform quantization is done, then, या इसी बात को सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, it done, it means, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट की, uniform quantization अगर है, it means, delta is equals to fix कहिए या आप constant कहिए, डेल्टा क्या हो जाएगा आपका फिक्स है या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो दैट इज यहां से और क्या निकल के आ जाएगी, दैट इज अगर डेल्टा फिक्स है तो दैट इज क्वांटाइजेशन नॉइस पावर, ठीक है, क्या निकल के आया कि दैट इज क्वांटाइजेशन नॉइस पावर, क्वांटाइजेशन नॉइस पावर इज फिक्स, ठीक है, क्वांटाइजेशन नॉइस पावर कैसे होगी आपकी, फिक्स्ड होगी या कांस्टेंट होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखना इस बात से कैसे हमें प्रॉब्लम होगी, किस तरह से हमें कम्युनिकेशन सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, जब आप लोगों का ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, तो इससे हमारे कम्युनिकेशन में कैसे इफेक्ट आएगा। अब इफेक्ट कैसे आएगा देखेगा, अब हम बात करते हैं कि हमें ये भी पता है स्टूडेंट, ठीक है, कि वी ऑल्सो नो दिस सिग्नल पावर,
अब बात करते हैं सिग्नल पावर की, वी ऑल्सो नो दी सिग्नल पावर, ठीक है, ये सब फॉर्मूले आपको पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। तो सिग्नल पावर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, पी एस से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो चाहो तो पी एस लिख लीजिए स्टूडेंट आप लोग, कि यहीं से अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे आपका एन क्यू लिखा था वैसे ही क्या लिख सकते हैं, एस क्यू भी लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, यहां से हमने क्या कहा था, आर एम एस वैल्यू सिंपल निकाली थी, तो पी एम स्क्वायर अपॉन टू, ये कुछ इस प्रकार से निकल कर आया। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, यहां से कैसे हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये देखें, From here, it is clear that एक एक बात को लिखते भी रहें और समझते भी रहें, it is clear that if Vm is high, if Vm is high, then signal power is high. ठीक है, अगर ये ज्यादा होगा तो सिग्नल पावर भी ज्यादा होगी, सिग्नल पावर विल हाई, ठीक है, कि उस स्थिति में सिग्नल पावर भी हाई होगी। बट अब देखना ध्यान से, बट इफ वीएम इज लो, ठीक है, वीएम लो होने का मतलब आपका दैट इज वीक सिग्नल अगर आपका है, ठीक है, दैट इज वीक सिग्नल, ठीक है, तो अगर ये लो होगा तो देन सिग्नल पावर इज then signal power will very low, स्थिति में signal power कैसी होगी, बहुत कम होगी, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर इससे क्या इफेक्ट आने वाला है, तो ध्यान से देखना, इतना हमें पता चल गया कि weak signal के लिए signal power कैसी होगी आपकी, कम होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बात मुझे बताइए जरा, जब हमने यहीं से आगे देखते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर मैं आपसे बात करूं, this implies सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो की जब बात हुई थी, क्या निकला था आपका, दिस इज इक्वल टू नॉइस पावर, ओहो सिग्नल पावर, क्या निकलता है स्टूडेंट आपका, सिग्नल पावर अपॉन नॉइस पावर, यही निकलता है, ठीक है भाई, यही फॉर्मूला था, आपको डिराइव करके दिखाया भी था। तो इट मीन्स हमारा जो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो, आपको जब नॉइस भी पढ़ाए थे तब भी कहा था कि हमेशा सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो, तो इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए आपका, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसके ज्यादा होने का मतलब है स्टूडेंट आपका कि हमारी सिग्नल पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सिग्नल पावर जितना ज्यादा होगा, न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा, ये ऑटोमेटिक उतना ज्यादा होगा। अब यहाँ देखिए, इस केस में इस बात के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ से सिंपल सी बात निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है कि फोर वीक सिग्नल, क्या कहा स्टूडेंट आपको, फोर वीक सिग्नल, ठीक है, सिग्नल पावर इज लो, भाई वीक सिग्नल हो या पावरफुल सिग्नल हो, एक बात तो क्लियर है कि हमारे नॉइस पावर पर कोई इफेक्ट नहीं आना, ये कांस्टेंट ही रहना है, ठीक है। पर अगर हमारा सिग्नल पावर कम या ज्यादा होगा तो उसका अब हमारा क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो पर पूरा इफेक्ट आना है। फॉर द वीक सिग्नल, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस एक मिनट, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो विल वेरी लेस, विल वेरी लेस कहिए या वेरी लो कहिए, ठीक है। और अगर ये लो होगा, ये आपका एक अनडिजायर्ड इफेक्ट है, ये डिजायर्ड इफेक्ट नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, अनडिजायर्ड इफेक्ट है, कहां पर आपका, कम्युनिकेशन सिस्टम, विच इज एन अनडिजायर्ड इफेक्ट फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, कम्युनिकेशन। फटाफट से जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई भी डाउट है कि कहीं पर बात नहीं समझ आ रही है तो फटाफट से पूछ, ठीक है, जरा फटाफट से बताएं, अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई भी डाउट लग रहा हो, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा हो,
एक एक चीज आपके सामने लिखी हुई है, अगर डाउट हो रहा हो तो पूछ लें आप लोग। अभी कंपाउंडिंग की बात नहीं आई, अभी हम कंपाउंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें कंपाउंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो अभी हम उन रीजंस की तरफ हैं कि जिसके कारण हमें कंपाउंडिंग करनी पड़ी। अभी हमें यह भी नहीं पता है कि हमें कंपाउंडिंग क्या होता है और क्या हम कंपाउंडिंग में करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी तक हमारे पास जो इफेक्ट आ रहे थे या साइड इफेक्ट आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हैं कि दिस इज द अनडिजायर्ड इफेक्ट फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन या सिग्नल पे आप कह सकते हैं। ठीक है, इतना। तो अब ये जो अनडिजायर्ड इफेक्ट आ रहा था स्टूडेंट आपका, या इसके लिए जो सॉल्यूशन है, इसके लिए जो रेमेडी है, वो कौन होता है स्टूडेंट आपका, वो था आपका कंपाउंडिंग। ठीक है, इतना। चलिए, तो अब आप देखते हैं रेमेडी या द टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। यहां से लिखिएगा फटाफट से, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज, हैव टू यूज कंपाउंडिंग। हमें क्या यूज करना पड़ता है, कंपाउंडिंग का यूज करना पड़ता है, हैव टू यूज कंपाउंडिंग। अब बात आती है कि कंपाउंडिंग होता क्या है। ये आप लोगों का दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कंप्रेशन प्लस एक्सपेंशन। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि कंप्रेसिंग प्लस एक्सपेंडिंग। देखें यहां से इस बात को भी लिखते हैं, अगली बात आती है आपकी कंपाउंडिंग टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऐसे कुछ लिख लेते हैं, कंपाउंडिंग इज अ टर्म, कंपाउंडिंग इज अ टर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम, That is derived from, ठीक है, जो derived होती है आपकी किससे, आपके दो words से, derived from two words, ठीक है, कि दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। और ये दो शब्द कौन से हैं ये देखेगा, कि यहाँ से अगर मैं बात भी करता हूँ, अगर हम लिखते भी हैं, दैट इज सबसे पहले अगर हम कहते हैं compounding, compounding की बात हो रही है तो ये देखेगा, कंपाउंडिंग में अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, कंपाउंडिंग को अगर हम देखते हैं तो कॉम्प तक सबसे पहले हम बात करते हैं तो यह आ जाता आपका कंप्रेसिंग। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, दिस इज कंप्रेसिंग प्लस एक्सपेंडिंग। ठीक है, ये आ जाएगा कंप्रेसिंग प्लस एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो कंप्रेसिंग हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, एक्सपेंडिंग हो जाएगा या एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये होता है स्टूडेंट आपका जनरल कंपाउंडिंग वर्ड का मीनिंग, सिग्नल को पहले कंप्रेस करना और फिर उसे एक्सपेंड करना। ठीक है, ये यहाँ पर हम इस तरह से लिख भी लेते हैं, ये बात निकल कर आती है। ठीक है, तो यहाँ तक एक नज़र फटाफट से सभी स्टूडेंट देख लें कि अभी हमने कंपाउंडिंग के जनरल मीनिंग की बात की है, कि कंपाउंडिंग का जनरल जो मीनिंग होता है, सिंपल क्या होता है स्टूडेंट आपका, सिग्नल को कंप्रेस करना, और कंप्रेस कहाँ होगा आपका, ट्रांसमिटिंग एंड पर होगा, और फिर रिसीविंग एंड पर उसी कंप्रेस सिग्नल को क्या करवाना, एक्सपेंड करवाना, उसका एक्सपेंशन करना। मतलब जस्ट रिसीवर पर जस्ट हमें क्या करनी है, रिकवरी करनी है एक प्रकार से सिग्नल की, या जो प्रोसेस हमने की थी उसी का रिवर्सिबल प्रोसेस हमें करके दिखाना है। ठीक है, चलिए अब यहीं से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात आती है निकलकर स्टूडेंट आपकी, जो बात हमने कही भी देगी, किसी भी सिग्नल को प्रिडिक्शन देना है, किसी भी सिग्नल को प्रिडिक्ट करना है, ये अपने आप में क्या होता है, एक डिफिकल्ट और क्रिटिकल टास्क है। तो लिखिएगा फटाफट से यहाँ से, ठीक है, इस बात को भी लिख लेते हैं, फिर हमारी क्लास का टाइम भी हो रहा है। तो देखिएगा, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इट इज डिफिकल्ट to implement the, to implement the non uniform quantization, जो बात आपको समझाई भी थी, difficult या difficult to implement the
नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्यों डिफिकल्ट होता है वो भी बात लिख लेते हैं. बिकॉज ठीक है, प्रिडिक्शन की बात को लिखते हैं तो इट इज नॉट नोन कि ये पता नहीं होता. इट इज नॉट नोन इन एडवांस अबाउट द चेंज ऑफ द सिग्नल या चेंज इन द सिग्नल. तो अबाउट द चेंज इन द सिग्नल लेवल, चेंज इन द सिग्नल लेवल. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या स्टूडेंट आपका, कि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन प्रोसेस करवाना या बनाना, इसे इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक क्रिटिकल टास्क होता है. कारण क्या इसका, कि आप ये पहले डिफाइन नहीं कर सकते, जो मैंने आपसे कहा भी था कि सिग्नल या इनपुट जो सिग्नल है वो कैसे चेंज हो रहा है. ठीक है, अब दूसरी बात आती है स्टूडेंट आपकी कि इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, एक पर्टिकुलर मेथड यूज होता है जिसको नाम हमने कंपाउंडिंग दिया है. ठीक है, तो यहां से चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि फॉर दिस अ पर्टिकुलर मेथड इज यूज. ठीक है, इसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड का प्रयोग किया जाता है. फॉर दिस अ पर्टिकुलर मेथड इज यूज, जिसमें क्या करते हैं स्टूडेंट हम लोग वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल को, जिस सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम है ठीक है उसको तो हम लोग क्या कर देंगे, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, और जिस सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा है उसे क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे. कब, उसे एक यूनिफॉर्म क्वांटाइजर पर भेजने से पहले. ठीक है, तो क्या कहा यहाँ से अगर हम देखते भी हैं, इस बात को लिखते हैं, फॉर दिस अ पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड इन विच, तरह से आगे लिख लेते हैं कि इन विच weak signals are amplified. ठीक है, कि जिसमें weak signals को amplify किया जाता है और strong signals क्या होते हैं आपके, attenuate होते हैं. And strong signals are attenuated and strong signals are attenuated. Okay. Strong signals को क्या किया जाता है आपका, attenuate किया जाता है. कहाँ, इसको before applying the यूनिफॉर्म क्वांटाइजर. ठीक है, कि इसको यूनिफॉर्म क्वांटाइजर पर भेजने से पहले, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, सही है इतना. ठीक है, तो ये क्या निकला स्टूडेंट आप लोगों का, अभी हमने सिर्फ बेसिक बात देखी है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग कुछ करते हैं. ठीक, अब ऐसे आप लोगों का क्या करना है स्टूडेंट आपका, कि वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना और स्ट्रॉन्ग सिग्नल को एटेन्यूएट करना, ये क्या आप लोगों का. ठीक है, इस प्रोसेस को जो प्रोवाइड करवाता है वो सिंगल एक ब्लॉक आप लोगों का जो क्या होता है आपका, कंप्रेसर होता है. आप लिख सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय कंप्रेसर. क्या कहा, दिस प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्रेसर. ये प्रोसेस आप लोगों की किसके द्वारा प्रोवाइड होती है, आपके कंप्रेसर के द्वारा प्रोवाइड. ठीक है, तो ये हमारा जैसे हमने कहा भी था कि पहले कंप्रेसिंग करते हैं फिर क्या करते हैं स्टूडेंट हम लोग, एक्सपेंशन करते हैं. तो यहाँ से हमने देखा भी था कि सबसे पहले कंप्रेशन होता है फिर आपका एक्सपेंशन, और इसी होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं. यस, कंपाउंडिंग, कि यही हमारा क्या होता है स्टूडेंट आपका, कंपाउंडिंग भी होता है. ठीक है,
यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। यहाँ से कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का अगर हम जनरल लिखते भी हैं, ठीक है, तो ये जो आप लोगों की पूरी कंपाउंडिंग प्रोसेस है, मैं आप लोगों को कंपाउंडिंग प्रोसेस दिखा देता हूँ। बाकी इसके बाद की जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा आपका, कंप्रेसिंग होगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग लिखते भी हैं, ये देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट आपका, ये होती है सिग्नल की कंप्रेसिंग, ठीक है, कंप्रेसिंग हो गया, ठीक है, सिग्नल कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने के बाद ही सिग्नल को कहाँ अप्लाई किया जाता है आपका, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, ठीक है। तो यहीं से आप लोगों का ये फिर कहाँ भेजा जाता है स्टूडेंट आपका सिग्नल, ये भेजा जाता है हमारा यूनिफॉर्म क्वांटाइजर पर। दिस इज यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर मतलब आपका कि जहाँ स्टेप साइज फिक्स, मैं कुछ प्रिडिक्शन तो करना नहीं पड़ेगा, सीधे डायरेक्टली स्टेप साइज फिक्स हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम लोग देखते भी, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। और फिर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के बाद फिर क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, एक्सपेंडिंग, जैसे कंप्रेसिंग हुआ था वैसे क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेंडिंग हो जाएगा। ये कंप्रेसिंग था, या अगर हम बात करें डिवाइस के नाम को लिखने की, ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये क्या होता है आपका, कंप्रेसर होता है, दिस इज कंप्रेसर, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आप लोगों का एक्सपेंडर, एक्सपेंडर, ठीक है। तो ये बन गया स्टूडेंट आप लोगों का पूरा ब्लॉक, किसके लिए आपका, आपके इसके लिए, ये स्टूडेंट आप लोगों का कंपाउंडिंग प्रोसेस हो गया यूनिफॉर्म, ये हो गया आपका एक्सपेंडर, ठीक है। इतना तो ये क्या स्टूडेंट आप लोगों का, यहां से अब अगर हम लेकर भी चलते हैं तो दिस इज बेसिक, अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा इन कंप्रेस होगा, फिर ये आप लोगों का फॉर्म क्वांटाइज होगा, फिर ये आपका एक्सपेंड होगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा आउटपुट निकल कर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा इनपुट, ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है। ये है स्टूडेंट आपका प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। ये क्या आपकी फुल प्रोसेस आपकी, या आप कह सकते हैं अ कंपाउंडिंग मॉडल, ठीक है, कि कैसे कंपाउंडिंग प्रोसेस होती है। अभी तक जो हमने बात लिखाई है स्टूडेंट आपकी, ये मॉडल भले हमने बना दिया है, पर जितनी बात अभी तक लिखाई है वो बात अभी हमारे ट्रांसमिटिंग एंड के कंप्रेशन की चल रही है, ठीक है। बाकी की चीज़ों को अगली क्लास में देखते हैं, इससे आगे की चीज़ों को अगली क्लास में देखते हैं कि कैसे सिग्नल को एक्सपेंड करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं, और कैसे आपकी कंप्लीट कंपाउंडिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। जो भी डाउट हो वो आप लोग अगली क्लास में, ठीक है, आप पूछ सकते हैं अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट।